दिस न्यूज ब्रॉट टू यू बाय LIC, हर पल आपके साथ। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने असम में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, जिसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने असम के विकास को रोककर उसे बर्बाद कर दिया था। असम के 3 विधानसभा क्षेत्र नाहरकटिया, दुलियाजान और डिब्रूगढ़ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कहा, यह कांग्रेस और राहुल गांधी गांधी जी के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, ये जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और यह रास्ता असम की जनता स्वीकार नहीं करेगी और ना देश की जनता स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा, असम को बर्बाद करने वाली कांग्रेस, जिसने विकास की राह रोक दी, उसी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी विभाजित करने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस आज SRP पार्टी बन गई है, सोनिया गांधी, प्रियंका पार्टी, यह ऐसी पार्टी है जिसके नेता केवल नाटक करने में लगे रहते हैं। और प्रियंका गांधी की टीम चाय बगान में आई थी, चाय की पत्ती तोड़ गई और चाय की पत्ती भी आप सीजन में तोड़ रही थी, चाय की पत्ती तोड़ रही थी या फिल्मों की शूटिंग कर रही थी मैडम, ये तो बता दो। ये भाई और बहन दोनों मिलकर नाटक करते हैं और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। आजकल की पार्टी AIUDF से समझौता कांग्रेस को, मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, क्या अजमल का सम्मान करोगे और तरुण गोगोई का अपमान करोगे? राहुल गांधी जवाब दो, अजमल की पार्टी से समझौता क्यों किया? केरल में तुम मुस्लिम लीग से समझौता करते हो, बंगाल में तुम फुरफुरा शरीफ के साथ खड़े हो जाते हो, क्या हो गया है कांग्रेस को? ये कांग्रेस गांधी के रास्ते पर नहीं चल रही, राहुल गांधी गांधी के रास्ते पर नहीं चल रहे, राहुल गांधी जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं और जिन्ना का रास्ता ना तो असम की जनता स्वीकार करेगी और ना हिंदुस्तान की जनता स्वीकार करेगी। देश को फिर से बांटने की साजिश करने वालों के साथ तुम खड़े हुए हो मेरे बहन और भाई। मैं आज आपसे निवेदन करता हूं, एक तरफ असम को बर्बाद करने वाली कांग्रेस जिसने विकास की राह रोकी, राहुल गांधी उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात करते हैं भारत को, उत्तर भारत दक्षिण भारत, असम में भी डिवाइड एंड रूल का खेल खेला कांग्रेस, जातियों को लड़वाते रहे, वर्गों को लड़वाते रहे, पंथों को लड़वाते रहे, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ ये भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस में घुसपैठियों का साथ देने और देश को बांटने की कोशिश करने वाले बदरुद्दीन अजमल जैसे आदमी के साथ समझौता कर लिया। अजमल ऐसा आदमी है जिसके साथ तरुण गोगोई जी ने भी समझौता नहीं किया था, वो बदरुद्दीन अजमल जिसने असम को तबाह और बर्बाद करने का सपना देखा है, उसने कांग्रेस से समझौता कर लिया है। और देखिए तो कैसी कांग्रेस, बदरुद्दीन अजमल जिसने घुसपैठ का गढ़ बना दिया असम को, वो बदरुद्दीन अजमल जो मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करता है, वो बदरुद्दीन उल अजमल जो धंधा तो इसका करता है लेकिन असम की फिजाओं में जहर खोलने का काम कर रहा है, वो बदरुद्दीन अजमल जिसने असम को तबाह और बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी, और वो बदरुद्दीन अजमल जिससे तरुण गोगोई ने भी कभी समझौता नहीं किया, कांग्रेस ने बदरुद्दीन अजमल के साथ ही समझौता कर लिया, घुसपैठ करवाने वालों के साथ समझौता, देश की एकता के साथ खिलवाड़ करने वालों के साथ समझौता, और देखो तो कांग्रेस को क्या हो गया, इसको गुलाम ने भी आजाद नहीं चाहिए, इसको आनंद शर्मा नहीं चाहिए, आजाद नहीं चाहिए, आनंद नहीं चाहिए, इसको अजमल चाहिए, अजमल। ऋषि, ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें जिंदगी के सभी खतरों से बचाना है। फिर तो मेरी लाइफ खतरे में है, क्योंकि जो कॉकरोच से डर जाए वो मेरी क्या रक्षा करेगा? वेल, कॉकरोच छोड़कर तुम्हारी पूरी लाइफ एकदम सिक्योर है।
स्मार्ट लोगों की क्लियर है प्रायोरिटी, बाकी सब बाद में। फॉरएवर वाले रिलेशनशिप से पहले LIC। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।